हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम मेजरमेंट्स टॉपिक से आ गई है। कहता है डेंसिटी किसी भी क्यूबिकल मटेरियल की उसकी साइड वगैरह से और मास को देख करके समझाई जा सकती है। तो पहले मैं डेंसिटी लिख देता हूँ, काफ़ी इजी हो गया क्वेश्चन। ये भी m बाय v लिखेंगे अपन लोग, और क्यूब दिया हुआ है सामने से, तो हो जाएगा वॉल्यूम की जगह पर साइड का क्यूब। ऐसा एक दिमाग में इमेजिन कर सकते हो कि सर यहाँ पर एक क्यूब होगा, इसकी डेंसिटी मेजर करने के लिए सबसे पहला काम होगा कि इसकी साइड वगैरह मेजर करके वॉल्यूम लाया जाएगा और मास में मेजरमेंट करेंगे, राइट। अगर इसमें एरर वगैरह के चांसेस होंगे तो क्या होगा, डिवीजन भी है और एक्सपोनेंट भी है, तो कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लगा लो। ये हो जाएगा डेल्टा रो डिवाइड बाय रो इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा डेल्टा ऑफ एम डिवाइड बाय एम प्लस। ये चीज़ हमेशा हम लोगों को क्या करना होता है, पॉजिटिव मान के चलना होता है एरर को, क्योंकि मैक्सिमाइज करके पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ ए डिवाइड बाय ए। क्वेश्चन यहीं पर सॉल्व हो गया है और ऑप्शन आप देख रहे हो तो परसेंटेज में है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं अपन। अगर मैं इस एंड पे 100 लिख दूँ और इस पूरे के साथ भी 100 कर देता हूँ, तो बच्चों ये सीधी सीधी चीज़ें फ्रैक्शन रिलेटिव से कन्वर्ट होकर किस में चलेगी, परसेंटेज में। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, राइट। तो आप लिख सकते हो इसको डेल्टा एम बाय एम, मास में कितना दिया हुआ, देखो मास का है 1.5, तो सीधा आंसर हो गया अपना 1.5% प्लस 3 टाइम्स ऑफ, साइड में है बच्चों 1%, तो ये हो जाएगा 1%, ठीक है। आंसर आ रहा है अपना 4.5%, ऑप्शन 2 होगा इसका सही। काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया, सिर्फ इससे बन रहा है और रिलेटिव एरर के कंसेप्ट से बन रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।